को ये घर का टीवी ऑन क्यों है? इतनी रात को केबल पर रागिनी MMS 3 आ रही है क्या? क्या देख रहा है भाई? लगता है सनी लियोनी स्क्रीन तोड़कर बाहर आने वाली है। बिना दवाई खाए सो गया। ले दवाई खा ले। और दवाई खा के सो जा। तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूँ भाई। यार रात के 3 बज गए हैं। मिस्टर अरविंद। हाँ चल चल उठ। सॉरी। अच्छा अब कैसे हो अरविंद? आर यू ओके? क्या बताऊँ डॉक्टर, ये ना कुछ बोलता है ना कुछ करता है, बस एक कोने में गुमसुम बैठा रहता है। आधी रात को अचानक उठता है
टीवी फोटो को घूरने लगता है और फिर सो जाता है। यू जस्ट डोंट वरी गोपाल, एक बात बताओ अरविंद, तुम उन्हें कितनी देर तक घूरते रहते हो? हैं? इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलेगा। ए, डॉक्टर कुछ पूछ रहे, जवाब दे। गोपाल इसे बोलने दो। हाँ क्या हुआ? सर सभी पेशेंट चले गए, क्या मैं भी घर जाऊँ? ओके यू कैन गो। थैंक यू सर। गोपाल तुम्हारे पास सिगरेट है? हाँ आखिरी एक दो बची होगी। डॉक्टर इसे नींद नहीं आती, नींद की दवाई लेने से मना करता है, बात बात पे गुस्सा हो जाता है। ये ले। अरे अरविंद तुम्हारा भाई तुम्हारी इतनी शिकायत क्यों कर रहा है? तुम्हारा गुस्सा अभी भी काबू में नहीं हुआ क्या? काबू करूं गुस्से पर, क्यों भिजाऊं पुरानी यादों को? भूल सकता है, भूल सकता है। छोड़ो मुझे, मैं क्यों भूलूं? गोपाल मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। मुझे आज भी याद है अरविंद का वो गुस्से से भरा रूप, बिल्कुल किसी खुफाश शेर की तरह। क्यों है ना अरविंद? तुम्हारा भाई झूठ बोल रहा है ना? क्या बात है अरविंद, तुम ढूंढ क्या रहे हो? वो डॉक्टर, सिगरेट पीने के बाद मैंने एस्ट्रे में रखी थी ना। Hey, मेरे पास सिर्फ दो सिगरेट्स थी, एक मैं पी रहा हूँ, एक डॉक्टर साहब ने ले ली। मैंने तुझे सिगरेट दी थी लेकिन तूने मुझसे सिगरेट नहीं ली, तो तू सिगरेट कैसे पी सकता है? मेमोरी स्लिप, अतीत में की हुई चीजें तुम्हें अभी याद? नहीं नहीं डॉक्टर, वो जरा निकोटीन का टेस्ट जबान पर है, मैंने सिगरेट पी थी। ये क्या? तुम टेंशन मत लो गोपाल, दिमाग में चोट की वजह से अक्सर ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। हम जो सिगरेट पी रहे हैं उसकी गंध इसके दिमाग में घुस गई है और उसकी वजह से इसे लग रहा है कि इसने खुद सिगरेट पी है। दैट्स इट। डरने की कोई बात नहीं है गोपाल, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। अरविंद तुम्हें अपने आप को बिजी रखना चाहिए। अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? घर से निकलेगा तो नौकरी करेगा। कोशिश तो करो। काम पे जाना शुरू कर दिया। अच्छी बात है, गॉड ब्लेस यू। अंजलि मैं यहाँ से सीधा ऑफिस जा रही हूँ। ओके सी यू बाय। नन्नी वेट, मैं भी आ रही हूँ। हे वेट वेट वेट। शेकी 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 शेकी। Excuse me. हाँ? वो आपकी जिद। सिट तो बंद है। लगता है मैडम आपने बैग का जिप नहीं बंद किया। माई यंग फ्रेंड्स, मैं पायल इंफोटेक की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के इस खास मौके पर मैं अपने मन की बात आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। पायल इंफोटेक एक अलग तरह की कंपनी है। हमारा काम बाकी कंपनियों से बिल्कुल अलग है। And thanks. जैसा कि आप लोग सब जानते हैं। अरविंद, अरविंद, तुम ये भूल गए। थैंक्स। ये क्या है?
देखो फोन पे मेरे 168 मिस्ड कॉल्स हैं और कल तुम ऑफिस भी नहीं आए, तुम्हें बुखार है। अरविंद आज ऑफिस में क्लाइंट प्रेजेंटेशन है, याद है ना? एक बात बताओ अरविंद, ऑफिस में तुम्हारा मन नहीं लगता ना? अरविंद अब चलें। चंदा मांगने आए हो तो यहाँ से उल्टे पांव लौट जाओ। शक्ल से मैं तुम्हें चंदा मांगने वाला लगता हूँ क्या? शक्ल से भिखारी लगते हो। भिखारी लगता हूँ? For your kind information, इतने नोट तो मैं रोज डांस बार में उड़ाता हूँ। ये डांस बार नहीं है, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम कनेक्शंस करवाते हो ना? कौन सा कनेक्शन चाहिए? कोई भी, बस मजा आना चाहिए। मजा आना चाहिए, एंटरटेनमेंट, समझे? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम चाबी क्यों फेंक रहे हो? क्योंकि मेरे इतने बंगले खाली हैं। तो क्या तुम अपनी बीवी को मायके में रखते हो? ये बताओ कि माल की डिलीवरी कौन से बंगले पर भेजनी है? बताता हूँ, गोराई में रंगरलिया कॉटेज तो पता होगा, बाजू में गुलशर्रे बंगलो है। अच्छा, वहीं मैं लड़कियों को ले जाता हूँ रास लीला रचाने। माल दे, मेरा मुंह क्या देख रहा है? अच्छा ये बताओ लड़की कैसी चाहिए? मॉडल फर्स्ट प्रेफरेंस, एथलीट भी चलेगी, और खास ध्यान रखना 19 से एक महीना भी पड़ी ना हो। आपकी रिक्वायरमेंट मैं समझ गया हूँ, आपको 19 साल की कच्ची कली चाहिए जिससे आपका कनेक्शन हो। मॉडल फर्स्ट प्रेफरेंस, एथलीट भी चलेगी, यही ना? मिल जाएगी, पास आइए। उन्नीस नहीं है तो 40 भी चलेगी। असलियत तो यह है कि मेरी अय्याशियों की वजह से मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, इसलिए मेरे अरमान मचलते हैं। तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम कनेक्शन करवाते हो, सेटिंग करवाते हो। अरे मैं केवल कनेक्शन करता हूँ, लड़कियों का कनेक्शन करने वाला दलाल समझता है मुझे? फोटो कहाँ है? कौन सी फोटो? रिया माँ की फोटो कहाँ है? क्या किया उस फोटो का? ए, तू क्या पागल हो गया? फोटो बदलने से तुझे लगता है मैं उसे भूल जाऊंगा? ए, ये पहले से ही ऐसी थी। झूठ भी बोलेगा मुझसे? मार डालूंगा मैं तुझे। रियाना की फोटो मुझे वापस कर देगा। कौन रियाना? उसमें मेरी फोटो थी, तू रोज उसको ही देखता है। ये वीडियो क्यों नहीं प्ले हो रहा? अरे यार लियाना की हर याद मिटा दी। मैं उसके दिमाग से लियाना की हर याद मिटा दूंगा, मैं उसे एक जिंदा लाश बना दूंगा। निखिल, निखिल सर, उसे छोड़ना नहीं। ओके। उसने मेरी पायल को छीना है। अपने प्यार को खोने का हम क्या होता है मैं उसे बताऊंगा, मैं उसे रुलाऊंगा, तड़पाऊंगा, उसे तरसाऊंगा जैसे मैं तरसा था।
मुझे वो वापस चाहिए डॉक्टर, मेरी लियाना की फोटो और वो डीवीडी जिसमें वो हंसती हुई दिखाई देती है। अरविंद, तुम्हारे एक्सीडेंट को 9 महीने बीत चुके हैं, लगता है मुझे सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। तुमने बताया कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड थी जो शहर के किसी कॉलेज में पढ़ती थी। ये उस कॉलेज की स्टूडेंट्स की लिस्ट है। इस बैच में लियाना नाम की कोई भी लड़की नहीं है और ये सेंसस रिपोर्ट है। तुमने जो पता बताया था उस नाम की लड़की यहाँ नहीं रहती है। देख लो, खुद देख लो। क्या कहना चाहते हैं आप? जिस लियाना को तुम अपनी गर्लफ्रेंड बता रहे हो ना, वो दिमाग में है, हकीकत में बिल्कुल नहीं। गॉड, मैं उसे अपने दिल की बात बताने जा रहा हूं, हिम्मत दो मुझे। मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। देखो, मैं कई दिनों से ये कहना चाहता था पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी और आज जैसे तैसे मैंने चर्च में प्रे करके हिम्मत जुटाई है और बस मैं जो भी कह रहा हूँ वो इस तस्वीर में तुम और तुम्हारा भाई, मगर तुम्हें लगता है कि इसमें वो नहीं एक लड़की खड़ी है। ये तुम्हारे दिमाग का भ्रम है, इसे हम पैराएमनीशिया कहते हैं। जो तुम्हें डीवीडी में नजर आता है उसकी भी यही वजह है। ऑफ कोर्स, हो सकता है लियाना के बारे में तुमने कहीं पढ़ा या सुना हो, या फिर ये तुमसे किसी और जन्म में मिली हो। एक्सीडेंट के बाद तुम्हारा दिमाग तुम्हारे काबू में नहीं है, तुम्हारी याददाश्त में कहीं दबी हुई लड़की तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड लगती है। उस दिन जब हम सिगरेट पी रहे थे तब तुम्हें लगा जैसे कि तुमने भी पी हो, उसी तरह इस लड़की का होना सिर्फ तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। मेरी कामयाब ट्रीटमेंट की वजह से ही तुम्हें उस लड़की की जगह उस तस्वीर में अब अपना भाई दिखाई देने लग गया है और हकीकत भी बिल्कुल यही है। अब देखना, तुम ठीक हो जाओगे अरविंद। तुझे भी यही लगता है? ये डॉक्टर मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, बकवास कर रहा है ये। पर तू उसे जानता है ना? तूने उसे नहीं देखा क्या? नहीं देखा। स्टॉप इट अरविंद, उसे तुम्हारे भाई ने ही नहीं इस दुनिया में किसी ने भी नहीं देखा है। तुम्हारे दिमाग में बनी छवि भला कोई और कैसे देख सकता है? हे डॉक्टर, दिमाग तेरा खराब होगा। लियाना के साथ बिताई जिंदगी के 15 दिन तुझे वहम लगते हैं? दिमाग का भ्रम है? मैं पागल नहीं हूं, साबित करूंगा। ये निशान देखो, मेरे होठों के जख्म देखो, क्या ये झूठ है? बचने का कोई चांस नहीं था। लियाना के सर से खून बह रहा था डॉक्टर, वो मारी गई, मेरी आंखों के सामने मारी गई। अरविंद, ये सच है तुम्हारा एक्सीडेंट कार में हुआ, ये भी सच है कि तुम्हें चोट लगी, पर कार में तुम अकेले थे। यहाँ आइए डॉक्टर, आइए। गोपाल, तू भी आ। डॉक्टर, आइए आइए, ये देखिए, यही दिखाने में आपको लाया था। अच्छे से देखिए, इसके बारे में क्या कहना है, बोलो डॉक्टर। गोपाल, तू बोलना, अगर लियाना उस दिन एक्सीडेंट में मारी गई होती तो यहाँ उसकी कीजिए डॉक्टर।
काका, एक मिनट, काका यहाँ आइए। ये क्या है? मेरे लियाना की कब्र कहाँ है? कैसी बातें कर रहे हो? अब हर रोज यहाँ कब्र पे फूल चढ़ाने तो आते हो? देखो आपका जलाया वो मोमबत्ती। झूठ बोलता है, मेरे लियाना की कब्र किया। क्या कर रहा है? अरविंद, डॉक्टर, इसकी कल्पना के हिसाब से जो लड़की इसकी गर्लफ्रेंड थी वो एक कार एक्सीडेंट में मर गई है। ये सच्चाई हम उसे नहीं बताएंगे, वरना इसकी हालत पहले से और भी बदतर हो जाएगी। नहीं गोपाल, इट्स अ गुड साइन। उसे मानना पड़ेगा कि लियाना बस उसकी कल्पना में ही थी, हकीकत में नहीं। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा भाई भी एक बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जिए? कहाँ है मेरा मोबाइल? कॉल करने के लिए फोन निकाला तो वो हाथ से छीन के भाग गया। कौन? वो क्या? हाँ, अगर ये रिमोट हाथ नहीं लगता तो उस चोर को पकड़ नहीं पाता। रिमोट? हाँ, ये रिमोट ही तो है। रिमोट मॉल का टूटा और टेंशन आप ले रही हैं। रुको, तुमने रिमोट समझ के जो फेंका वो मेरा सेल फोन था। ये सेल फोन? मेरा लेटेस्ट मोबाइल। अगर ये मोबाइल है तो मेरे पास जो है वो क्या है? हेलो, मेरे कॉन्टैक्ट जाएंगे क्या करने? मेरा अपना सिम कार्ड, बहुत हीरोगिरी आती है ना। मेरा मोबाइल ठीक करवाओ फिर अपना ले जाओ। एक्सक्यूज मी, अपना नंबर तो दो। किस लिए? कंपस बॉक्स वापस नहीं चाहिए? आप कौन? नया केबल लगाना है। लगा दूंगा, रोज लगाता हूँ। कहाँ लगाना? वन सेकंड। हाँ, बोल अरविंद। गोपाल, एक अर्जेंट काम है। कहाँ है तू? क्या काम है? तू यहाँ आ जा। अभी नहीं आ सकता, नया कनेक्शन हो रहा है। नया कनेक्शन जोड़ने से पहले ही लगता है ये उसे तोड़ देगा। हाँ बोले, कहाँ लगाना है? हेलो हेलो, फोन काट दिया। फोन स्विच ऑफ करेगा तो तू बच जाएगा क्या? अरे कैसे केबल ऑपरेटर हो तुम? तुम्हारा केबल आता है, जाता जाता है। अगली बार पैसे लेने आएगा ना तो तेरी हालत खराब कर दूंगा। याद रखना, टांग तोड़ दूंगा। ना ना, मैं एक भी सीरियल देख नहीं पा रही हूँ। अरविंद, हमेशा ने तुझे बूस्टर को ऑन ऑफ करने की क्या जरूरत थी? सारे कस्टमर मुझे गोली भर भर के गाली दे रहे हैं। अच्छा ये बता, किसका एड्रेस ढूंढ रहा है? कोई लड़की है क्या? किसी अजनबी को मोबाइल नंबर देने की क्या जरूरत थी लियाना? आंटी, मैंने आज सुबह ही तो नंबर दिया है। परेशान करने वाला आदमी होता तो बहुत सारे फोन आ गए होते अभी तक। सुनो लियाना, कल सुबह अपना नंबर चेंज कर लेना। रिलैक्स आंटी। अच्छा ठीक है, फोन वापस आने तक तो ये नंबर रहने दो। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम सबको अच्छा समझती हो। क्या बात है, मैं अंदर जाकर उसके केबल की सेटिंग करता हूँ, तू डायरेक्ट जाकर लड़की की सेटिंग कर। चल ना। ए, तू जानता है कहाँ जाना है? सीधा लड़की के कमरे में चले जा और केबल ठीक करने का नाटक कर। ए, अगर उसके कमरे में टीवी ना हुआ तो? मैं हॉल से टीवी उखाड़ कर उसके कमरे में ले जाकर ठीक करूंगा। चलेगा ना? अब मुझे नर्वस मत कर। चल चल चल। ए, ये खुल क्यों नहीं रहा यार? ये कोई पैंट की जिप है जो खोली और पैंट नीचे, लगता है घर पर कोई नहीं है। जान बची और लाखों पाए चल। एक मिनट, कुछ सोचता हूँ। भाई तू यही रुक। अरे रुक, एक मिनट मेरी बात सुन।
जाओ मर गए। मैं तो सिर्फ केबल की सेटिंग करता हूँ, ये मुझे केबल के साथ किस किस चीज की सेटिंग करवाएगा पता नहीं। सिर्फ फोन बजते ही भाग गया, सामने आते तो क्या करता, खुद तो भाग गया, मुझे छोड़ गया जूते खाने। हेलो, रिमाइंडर अलार्म, वीजा इंटरव्यू, उसे याद तो होगा ना। लड़का अच्छा लगता है। या हेलो, हु इज दिस? आई एम लियाना। मोबाइल तोड़ा था ना। तुम्हारा मोबाइल रिपेयर होने में 4 दिन लगेंगे। नहीं, बात वो नहीं है, आज तुम्हारा कनाडा वीजा इंटरव्यू है, सुबह मोबाइल में रिमाइंडर आया इसलिए फोन किया। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। यू आर वेलकम। और कुछ? नहीं बस, आई एम सॉरी मैंने तुम्हें पूजा करते वक्त डिस्टर्ब किया। पूजा? हाँ, तुम पूजा नहीं कर रहे थे, तुम्हारी क्वालिटी ट्यून में ओम सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे लगा तुम पूजा कर रहे थे। मैं पूजा नहीं कर रहा था, योगा कर रहा था। योगा कर रहे थे? तुम योगा जानते हो? अरविंद, क्या योगा करने से मेमोरी भी स्ट्रांग हो सकती है? पढ़ाई करते वक्त कुछ याद नहीं रहता मुझे। सिर्फ मेमोरी पावर क्यों, बहुत सारी पावर बढ़ जाती है। क्या बहुत सारी पावर? मतलब बताता हूँ, हर इंसान में खास पावर होती है। तुम्हें भी होगी। मुझ में? हाँ, एक बार मैं कुछ देख लूँ तो उसे सेम टू सेम ड्रॉ कर सकती हूँ। वैसे तुम्हारे पास कौन सी पावर है? मुझ में? प्रॉमिस करो किसी को नहीं बताओगी। ओके। क्या तुम फिलहाल घर पर हो? हाँ, अपने रूम में। बेड पर 4 ब्लैक एंड व्हाइट तकिए हैं। ए, तुम्हें कैसे पता? रूम के ईस्ट में जो दीवार है उस पर तुम्हारे चेहरे की पेंटिंग बनी है। ए, तुम्हें ये सब इतनी डिटेल में कैसे पता? यही तो मेरा पावर है। वन मिनट। हाँ, अब तक तो तुमने सब कुछ ठीक से बताया। हाँ तो? तो मेरे कैलेंडर पर एक मोबाइल नंबर है, बता वो क्या है। 9884 6463। और आखिरी दो नंबर है 56। ये कैसे हो सकता है? ये तो केबल वाले का नंबर है। यही तो योगा की ताकत है। वाओ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं बाद में बात करती हूँ। वो क्या है आंटी की, उसका रिमाइंडर आया था इसलिए मैं बस उसे बताने के लिए। सॉरी आंटी। दोबारा ऐसा ना हो। ओके। आंटी, वो इतनी दूर से खुद के घर से मेरे कमरे का नक्शा बता रहा था। क्या बक रही हो, किसी ने कुछ कहा और तुमने विश्वास कर लिया? उसमें पक्का कुछ पावर तो है, कुछ तो है। अरे यार, ऐसे कैसे आई लव यू कहूँ उसे? अगर आज तू नहीं बोला तो कल कोई पटाखे ले जाएगा और तू बस उसे डोली में विदा होते हुए देखता रह जाएगा। गोपाल, हमारी दोस्ती की शुरुआत को बस कुछ ही दिन तो हुए हैं, डर लगता है कहीं उसने मुझे ना कह दिया तो क्या होगा। ठीक है, मेरी बात सुन, तू उसे जिंदगी भर के लिए एक ऐसा तोहफा दे दे जो जमाने से छुपा ना पाए। वो पूरी दुनिया को खुद बोलेगी कि तू ही सिर्फ तू ही उसका पति है। कभी तो सीरियस हो जा, बताना क्या करूं। ए, मैंने क्या फ्री एडवाइस सेंटर? डॉक्टर, यही वो जगह। कैसे बताऊं कि क्या करना? यही वो जगह है जहां मैं उस दिन इसके साथ चल रहा था। ए, सच सच बता गोपाल, झूठ मत बोलना, तू मेरे साथ लियाना के घर नहीं आया था? देख अरविंद, जिस घर की तू बात कर रहा है तू खुद मुझे वहाँ लेकर गया था। हमारा केबल 5 साल से वहाँ नहीं जा रहा है। हाँ, हम वहाँ जाते थे लेकिन ऐसी लड़की पहले कभी ना थी ना है। क्या हुआ, मुझ पर यकीन नहीं? तुझे खुद जाकर देखना है। हा? लियाना तो मर चुकी है, वो वहाँ कैसे हो? अच्छा, वो नहीं होगी, तूने कहा था उसकी आंटी वहाँ रहती है, वो तो वहाँ होगी, चल उससे मिला दे। नहीं, इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? डॉक्टर, लियाना की मौत के बाद मैं वहां गया था लेकिन वहां जो लोग रहते हैं उन्होंने कहा आंटी शहर छोड़कर चली गई। एक इंसान शहर से बाहर गया और दूसरी दुनिया छोड़ गई, कुछ ऐसा बोल जिस पर यकीन हो। नहीं, नहीं,
नहीं नहीं, देखो लियाना तुम्हारे लिए मेरा वहम होगा, लेकिन वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो इसी दुनिया में रहती है, मेरे अंदर आज भी जिंदा है। देख गोपाल, एक घंटे के अंदर मुझे वो फोटो और डीवीडी चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा। इसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं, चलो। वो उस तरफ गया डॉक्टर। कैसी हैं आप? डॉक्टर मैं भी पुलिस को फोन करती हूँ, एक मिनट रुको। मैडम 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 प्लीज 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 रुक जाइए। मैडम मैडम मैं इसका भाई हूँ, प्लीज। मैडम मैडम मत बोलो यार। मैडम मुझे गलत मत समझना, लेकिन क्या आप वाकई इसे नहीं जानती? हे, आखिर तुम लोग हो कौन, हाँ? और चाहते क्या हो? एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? Who are you? साइकियाट्रिस्ट है। और ये मेरा पेशेंट है। सॉरी, लेकिन इस तरह पागलों को सड़क पर छोड़ना ठीक नहीं है। मेरा कार्ड रखिए। पागल किसान क्या तुम इन्हें जानते हो? हाँ डॉक्टर, ये वही है लियाना की आंटी जिसके बारे में मैंने। तो बताओ इनका नाम क्या है? हाँ, इनका नाम नाम सॉरी मैडम, आप जाइए। वो जा रही है, उसे उसे जा। तुम सब मैं क्या मुझे धोखा दे रहे हो ना? अरे धोखे बाज किसे कह रहे हो, मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? क्या यही मेरा काम है? मैं एक डॉक्टर हूँ और समाज में मेरी बहुत इज्जत है। तुमने बेइज्जती की हद पार कर दी है गोपाल। आई एम सॉरी, इनके लिए कोई और डॉक्टर ढूंढ लो। डॉक्टर डॉक्टर प्लीज डॉक्टर। Thank you.
बारे में मुझसे और सवाल पूछे, मुझे योगा सिखा दीजिए। गुरुजी, मैं अपना अनाड़ी भाई आपको सौंप रहा हूँ। इस अनाड़ी को उस लारी की नजरों में उठाने के लिए इसे ऐसी योगा सिखाओ कि रामदेव बाबा भी शर्माते हुए पतली गली से निकल जाएं। भाई, इस जन्म में तो क्या अगले कई जन्मों तक तुम और तुम्हारा भाई योगा नहीं सीख सकते हैं। सीख गए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। आंटी, आपका ये डेढ़ पसली, हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, योगा सिखाने के लिए भाव खा रहे हैं। इनसे कहो कि चुपचाप मान जाए, वरना इनके लिए ठीक नहीं होगा। ए जी, इन्हें सिखा दो ना। छोटे, ये आपसे तुम्हारे गुरु, तुम इनके शिष्य। सब लोग पहले अपने हाथ जोड़ो, ऐसे ही रहना। गुरुजी, ये क्या चक्कर है? योग सिखाते सिखाते मास्टर जी का वियोग तो नहीं हो गया? ये क्या हो गया? आगे खोलिए ना। अरे हाँ गोपाल, गुरुजी को चाबी देना। हालत तो इनकी पहले से ही बुरी थी, ये तो होना ही था। अरे तुम कहाँ से योगा सीखने आ गए? तुम्हारे एक सवाल से ये सीधे शवासन में पहुँच गए। सवाल? कौन सा सवाल? हट्टा कट्टा आदमी कौन से सवाल से लुढ़क गया? कुछ खास नहीं भाई, मैं लियाना को इम्प्रेस करना चाहता हूँ, तो मैंने गुरुजी से पूछा क्या मैं योगा से पानी के ऊपर चल सकता हूँ। पानी में चल के क्या, इंडिया से श्रीलंका जाना था? ओए, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है भाई, गलती उसकी है जो समझती है तेरे में पावर है। उस मासूम से तू इस तरह से झूठ कैसे बोल सकता है यार? कौन सुबह सुबह डिस्टर्ब कर रहा है? जानती नहीं ये मेरा योगा करने का वक्त है। सॉरी, योगा के बारे में ही पूछना था। वो तुम्हारी पावर, योगा से किसी को कोई पावर नहीं मिल सकती है। तुमने किसी को बताया तो नहीं? हाँ, मैंने एक्साइटमेंट में अपनी आंटी को बता दिया। देखो, कोई यकीन करे ना करे फर्क नहीं पड़ता, मैं जानता हूँ मुझ में पावर है। हाँ, और कुछ बताना है? नहीं, और कुछ नहीं, ओके रखती हूँ। इस तरह फोन नहीं रख सकती, तुम्हारी आंटी ने मेरी इंसल्ट की, मेरी पावर की बेइज्जती की है। फोन स्पीकर पर लगाओ। मेरे फोन में स्पीकर ही नहीं है। हेलो, तुम भूल गई तुम्हारे पास मेरा फोन है, तुम्हारा फोन रिपेयर के लिए दिया है। चलो स्पीकर ऑन करो। अब पद्मासन में बैठ जाओ। पद्मासन? पैर फोल्ड करके बैठो यार। हाँ, बैठ गई ना? अब आंखें बंद कर लो। ओके, अब मैं अपना हाथ तुम्हारे हाथ पर रखने वाला। What? अरे सिर्फ इमेजिन कर लो ना। ओके, अब मैं अपनी पावर यहाँ से तुम्हें ट्रांसफर करने वाला। Really? अब धीरे से अपनी आंखें खोलो। सामने वाली दीवार पर टीवी ऑन है। अब उसे गौर से अपनी अंदर टीवी से कहो ऑफ हो जाए। टीवी ऑफ हो जाए। अब उसे ऑन होने के लिए कहो। बोलो बोलो। ऑन हो जाए। एक और बार। ओके, मार। ऑन हो जाए। लियाना, हाँ? टीवी मैंने बंद किया और तुम टीवी के सामने बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं आंटी। लिया, हाँ?
उसका फोन आया था ना? नहीं नहीं लियाना, आई ट्रस्ट यू कि तुम अपनी आंटी से कुछ नहीं छुपाओगे। आज के बाद अगर लियाना अरविंद से मिली या फिर उससे मिलने की कोशिश की तो उसे मारने से पहले मैं तुझे मार दूंगा। केबल मांगने वालों को चूना लगाता है और यहाँ कुत्ते को खाना खिलाता है। चल तुम रहे हो या तुम्हारा कुत्ता तुम्हें चला रहा है? ओए चुप कर, मेरा कुत्ता इंडियन नहीं फिरंगी है। फिरंगी हुआ तो क्या हुआ, क्या ये खम्मा देख कर पैर उठा के काम तमाम नहीं करता? ये वही करता है जो मैं कहता हूँ। इसकी ट्रेनिंग पे मैंने $25,000 खर्च किए। $25,000 एक कुत्ते के लिए? हाँ। ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है? देखना चाहते हो? दक्कन कैच बियर। सुपर। देखा मेरा डॉगी अमेरिकन है, तुम्हारा इंडियन है, सिर्फ भौंक सकता है। अच्छा अब मेरी ट्रेनिंग देखो, सनी बियर लाओनी। इसे ट्रेनिंग फ्री में दी है, वो मेरा दक्कन। सनी मैं बियर खत्म करता हूँ, तब तक इसे जाने मत देना। Hi Liana, कब मिल रही हो? Long time no see. Hey, I'll call back. हाँ लिया बोलो। अरविंद, अभी अभी मैंने तुम्हें एस्केलेटर पर देखा, पर अचानक तुम गायब हो गए। अभी? इसने जरूर किसी और को देखा। हेलो, अरविंद, तुम कौन से फ्लोर पे हो? मैं भी स्पेक्ट्रम मॉल में ही हूँ। अच्छा, मैं भी वहीं पर हूँ, क्या बात है? एक्चुअली मैं ये जानना चाहती थी कि तुमने मेरा मोबाइल किस सर्विस सेंटर में दिया हुआ है। मैं खुद ही कलेक्ट कर लूंगी और तुम्हारा मोबाइल भी वहीं पे दे दूंगी। कोई प्रॉब्लम है? मेरी आंटी को मेरा तुमसे बात करना अच्छा नहीं लगता, मुझे उनसे झूठ बोलने पड़ते हैं, तो ये बंद करना होगा। हेलो अरविंद, वो मोबाइल रेडी हो गया है, यहीं मेरे पास पड़ा है। बात है कि मैं एक मीटिंग में बिजी हूँ। हेलो सर, थोड़ी देर इंतजार करो, मैं आकर देता हूँ। ओके, मैं 20 मिनट्स तुम्हारा वेट करती हूँ। स्पेक्ट्रम मॉल यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, मोबाइल लेना पड़ेगा। तुम्हारा मोबाइल तो कब से रेडी है, तुम अब आ रहे हो? सॉरी, माफ कर दीजिए, मैं भूल गया था। अरविंद, मीटिंग अब तक खत्म नहीं हुई क्या? खत्म हो गई, मैं तो यहीं तुम्हारा मॉल में। मैं बस निकलने ही वाली। हेलो, तुम्हारे पास तो पावर है ना, तो फिर तुम मुझे ढूंढ के दिखाओ। फिर शुरू, जब देखो पावर का टेस्ट ड्राइव होती रहती है। शर्त पर मोबाइल दूंगा, मेरे साथ कॉफी पीनी पड़ेगी। पावर रिचार्ज करने की। ये लो तुम्हारा मोबाइल। एक्सक्यूज मी, मैंने अभी अभी कॉलेज ज्वाइन किया, वो मेरे सीनियर्स मेरी रैगिंग कर रहे हैं, उन्होंने मुझे आपको छू के आने के लिए कहा है। हेलो, अरविंद,
वो से झूठ क्यों बोल रहा है? वो डॉक्टर सच्चाई पर पर्दा क्यों डाल रहा है? क्या हो रहा है? क्यों कर रहे हैं ऐसा? साले ने मेरा नाम बोल दिया। So what? जाके उसका काम तमाम कर जा। मेरे लिए खाना कौन बनाएगा? लेकिन ऐसी लड़की पहले कभी ना थी ना है। मुझे लगता है मैं उसे भूल जाऊंगा। ए, ये पहले से ही ऐसी थी। ओए, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है भाई। गलती उसकी है जो समझती है तेरे में पावर है। तुझसे पूछ रहा हूँ, डर है क्या? यार,
सर ये तो मुंह खोलने का नाम ही नहीं ले रहा, आप ही ट्राई करो शायद कुछ बोल दे। कोशिश करो, मैंने कहा फिर से कोशिश करो, स्पीकर ऑन करके रखो। पर फोन बंद है। जैसा कहता हूं वैसा करो, चलो। आज की पार्टी में कितना मजा आता है, चल मैं तुझे मिलाता हूँ अपने छोटे भाई से। हाय तो बोल, नाटक मत कर राजा। पता नहीं उसके सवाल का क्या जवाब दूं, ऐसा लगता है कहीं जाकर मर जाऊं। सवाल जवाब के चक्कर में अगर कोई मर जाता ना तो हम दोनों फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही मर जाते। चल ले पी ले ना। बकवास कर रहा है, अरे पागल हो गया। ये गेट लॉक कैसे हो गया? ऐसा लगता है कि जगह मर जाऊं। अरविंद, अरविंद मेरे भाई, नो सुसाइड। अरविंद मेरे भाई, दरवाजा खोल। अरे ये क्या? ये तो अकेले में ही सुखासन का मजा ले रहा है। अरविंद, आधी बोतल गटक ली। ए, मेरे लिए भी कुछ छोड़ना। अरविंद, अरविंद सुनना। अरे बस करना, मेरे लिए रखना। सुनना, बाहर आना, बाहर। अरे इस बोतल का पैसा तो मैंने दिया था। अरे क्या कर रहा है? अरे मेरे पैसे की पी रहा है। अरे मेरे लिए कुछ तो रखना, थोड़ी तो रखना यार, एक ग्लास आधी। अरे कुछ तो दे। ए गोपाल, अच्छा हुआ कि तुझे मेरा नाम याद आया, लेकिन वो भी आधी बोतल खत्म करने के बाद। अरे आराम से, आराम से, तू गिर लेकिन बोतल को मत गिराना। अरे अरे संभल के। अरे अरे दीवार का टेका ले, जब तक तू बाहर आएगा मैं प्यास से ही मर जाऊंगा। मुझे ही कुछ करना होगा।
ले, इसमें दारू डाल, थोड़ी सी डाल, ले 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 ले, अरे नीचे मत गिराना, संभल कर संभल कर, अरे इस तरफ है, क्या कर रहा है तू, अरे अरे डाल ना, हाथ का बोतल तुम्हारा है, इसमें दारू डाल, अरे खुद गिर गया, चलेगा, बोतल ला, ला बोतल, अब मेरे भाई की दारू की और किसने पीनी? थोड़ी सी दारू मुझे पिला देता, तेरे बाप का क्या जाता? मिल गई खुशी। देखो, मैं आज कनाडा जा रहा हूँ और 2 सालों तक वापस नहीं आने वाला। उस दिन तुम्हारा फ्यूचर जानने के लिए जब मैंने अपना पावर यूज किया तो मुझे पता चला तुम्हारा पति कौन होगा। तुमने पूछा था, इसीलिए बता रहा हूँ। कौन? होने वाला पति मैं ही हूँ। लिया, लिया, कुछ तो जवाब देकर जाओ। तुम मुझे घर ड्रॉप कर सकते हो? हाँ, रख दे अंदर। चले सर? एक मिनट सर, अब चले। ए, टैक्सी क्या सामान रखने के लिए बुक करवाई है? मेरे भाई को आने देना। ये एड़ा खोपड़ी। बोलो भाई, फ्लाइट का टाइम हो गया, मैं घर पर इंतजार कर रहा हूँ। मैं एयरपोर्ट पे सीधा आ जाऊंगा, तुम सामान लेकर वहां पहुंच जाओ। उसे बता दिया? रखता हूँ। उसे बताया क्या? हाँ बता दिया, जवाब के लिए रुका हूं। अब रखो। तुमने कहा था ना एयरपोर्ट चलोगे, मैं वेट कर रहा हूं। लियाना? हाँ? कौन है वो बताओ। आंटी, कौन है वो? मेरा, आई एम इन लव, उसने प्रपोज कर दिया। अब मैं क्या करूं? मम्मी पापा की डेथ के बाद आप ही मेरे लिए सब कुछ है आंटी। आप हाँ कहेंगी तो ही मैं उसे हाँ कहूंगी, इसलिए उसे बिना कोई जवाब दिए आ गई मैं। आज वो कनाडा जाने वाला है, उसके जाने से पहले मुझे उसे जवाब देना होगा। I need your permission। ये वही अरविंद है ना जिसने तुमसे कहा था कि उसके पास अनदेखी चीजों को देखने समझने का पावर है? वही ना? आंटी, पता नहीं आपको इस बात पर विश्वास क्यों नहीं है। कैसे विश्वास करूं? किस पर विश्वास करूं बोलो? पावर है पावर। अच्छा, तो उसकी पावर की वजह से तुम्हें प्यार हो गया? आंटी, मुझे अरविंद अच्छा लगता है, यही एक वजह है बस। लेकिन सच कहूं तो मुझे यकीन है कि उसमें कोई खास पावर है। कब से समझा रही हूं, फिर भी तुम्हें लगता है कि उसमें कोई पावर है? 100%। सॉरी आंटी।
नो नो, ये तुम्हारी जिंदगी है, इसका फैसला तुम्हें लेना चाहिए। बस तुम्हारी मासूमियत का कोई फायदा ना उठाए, इसलिए मैं लियाना, उसके जाने से पहले तुम उसे कोई गिफ्ट देना चाहती हो ना? नहीं तो इस शोपीस को बॉक्स में डालकर गिफ्ट पैक कर लेते हैं, फिर देखते हैं वो बता पाता है या नहीं। अगर उसने सचमुच बता दिया, अगर बता दिया तो तुम्हारी शादी की पूरी तैयारी मैं करूंगी। वो ये इजीली बना देगा। ओ आंटी, आप इसे पैक कीजिए, मैं अभी आती हूँ। लियाना, हा? जल्दी आओ। हाँ हाँ, बार बार हॉर्न बजा रहा है। कुछ देर और रुक जाओ, उसके बाद आई एम ऑल योर्स। आंटी, मुझे लगता है उसे फ्लाइट के लिए देर हो रही है। वन मिनट। आंटी, आपने मुझे क्यों कॉल किया? किया है। तुम जाओ, लेकिन फोन मत काटना। तुम दोनों जो भी बात करोगे मैं सुनना चाहती हूँ। मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन उस पर तभी विश्वास करूंगी जब इस बॉक्स में क्या रखा है वो बता पाएगा। ये कोई खेलने का वक्त है? जानती हूँ कि ये कोई खेल खेलने का वक्त नहीं है, पर ये हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ 5 मिनट के लिए, प्लीज 5 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो। मैं बस चाहती हूँ तुम बताओ इस बॉक्स के अंदर क्या है। मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते हो? वो लेट होने की वजह से टेंशन है। मुझे और भी ज्यादा टेंशन है। प्लीज अरविंद, प्लीज। थोड़ी देर पहले जो मैंने पूछा था उसका जवाब नहीं दिया तो पहले अरविंद, प्लीज बताओ, बताओ ना, मैं जवाब दूंगी जब तुम बताओगे इसमें क्या है। सो प्लीज। चलते चलते बताता। आज तक मैंने जो भी कहा लिया ने हमेशा उस पर यकीन किया, पर आज जब प्यार का इजहार हुआ तो ये मानने से इनकार कर रही है। हंस गया बेटा अरविंद, अगर बॉक्स के अंदर क्या है सही गैस किया तो ये तुझे अपना पति मान लिया। बता क्या हो सकता है बॉक्स में? जब बॉक्स उठाया था तो वो बहुत हल्का था, तो इसके अंदर ये जो गिफ्ट है ये किसने सेलेक्ट किया, तुमने या किसी फ्रेंड ने? मेरा मतलब देखो, पूछूंगा नहीं तो पावर, मेरी इनर पावर और कॉस्मिक पावर। कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट, परफ्यूम वॉच या इसके पापा की कोई पुरानी निशानी, क्या है इसमें? एक भगवान प्यार की मंजिल में बॉक्स क्यों ले आया? अच्छा, मोबाइल ऑन है और आंटी लाइन पर है, मतलब वो सारी बातें सुन रही है। मतलब ये लियाना का टेस्ट नहीं है, ये आंटी का दिया हुआ टेस्ट है। सोचो सोचो, कम ऑन कम ऑन, क्या हो सकता है इसमें? मुझे पसंद नहीं करती, फिर भी उन्होंने ये खेल खेला। इस गिफ्ट का उनसे क्या लेना देना है? जब मैं घर से निकला तो उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, कुछ तो गड़बड़ है। शायद ये गिफ्ट आंटी ने पैक किया, उन्हीं ने पैक किया है।
क्या रखा होगा इसके अंदर। गैस कर। जब मैं घर पहुंचा वो मुझे घूर रही थी, जब मैं घर से निकला तब भी वो मुझे घूर रही थी, लेकिन उस वक्त कुछ मिसिंग था। जो चीज मिसिंग थी शायद वही इस बॉक्स के अंदर होगी, लेकिन वो क्या थी? Wait, don't disturb me, just wait. जब वो ऊपर खड़ी थी तब उनके गले में एक चेन थी, पर जब मैं निकला तब वो नहीं थी। इसका मतलब yes. ट्रिपल फाइव चेन, इसमें ट्रिपल फाइव चेन है। हाँ, इसमें आंटी की चेन है। ये मैं 100% श्योर हूँ लिया, ये मेरे लिए भी जरूरी है। Come on, जल्दी करो, क्या है उसके अंदर? क्या है इसमें? बताओ ना लिया। Come on, please tell me, लिया। गाड़ी को इस तरह पार्क करके चला गया। मैं इंटरव्यू देने मुंबई आई थी, वहां मेरी मुलाकात एडविन से हुई। वो काला सा है, कान में बाली पहनता है, वही है ना? यस, उसी एडविन ने मुझे नौकरी दिलाई। मुझे एक लड़की को गोद लेके उसे अच्छे से पढ़ाना लिखाना था, यही मेरी नौकरी थी। हाँ, वही ले आना थी। कॉलेज में पढ़ते हुए उसे किसी से प्यार ना हो जाए, ये उसकी शर्त थी। और ये भी हिदायत दी थी कि लियाना को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब कौन कर रहा है। ऐसी बहुत सारी शर्तें थी उसकी। लियाना की कॉलेज लाइफ 4 साल तक बहुत अच्छी रही, पर मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो तुम्हारे इतने करीब आ जाएगी। और जब तुम दोनों के बारे में
मैंने एडविन को बताया तो उसने मुझे आज के बाद अगर लियाना अरविंद से मिली या फिर उससे मिलने की कोशिश की तो उसे मारने से पहले मैं तुझे मार दूंगा। उसके बाद मैं अपने होम टाउन आ गई और अपने पापा की पुरानी जॉब करने लगी। मुंबई में एक ऑफिशियल विजिट के लिए गई थी, वहाँ अपने दोस्त की गाड़ी में जा रही थी, तुमने मुझे देख लिया, लियाना के बारे में पूछा, तभी मैं समझ गई कि कुछ तो प्रॉब्लम है। अगर मुंह खोलूंगी तो एडविन के लोग मुझे जान से मार डालेंगे, यही सोचकर मैंने तुम्हें पहचाना। रहता कहाँ है? I don't know, वही आता है मिलने। नंबर? नंबर वो अलग अलग नंबर से फोन करता है, लास्ट उसने इस नंबर से फोन किया था। अरविंद, एडविन अकेला नहीं है, उसके पीछे न जाने कितने लोग हैं, वरना वो लियाना को गोद क्यों लेते, क्यों पढ़ाते उसे, इतनी ठाट बाट की जिंदगी क्यों देते उसे, मैं कुछ नहीं जानती सिवाय इसके कि इसके पीछे कोई ना कोई गहरी साजिश है। लियाना के एक्सीडेंट में मर जाने की वजह से मुझे लगता है उनका पूरा प्लान चौपट हो गया। जो भी मुझे पता था मैंने बता दिया, अब मुझे जाने दो प्लीज। अरविंद थैंक्स, तुम अपना ख्याल रखना, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। बोलो पाटिल। सर, जिस लड़की के फोन को हम टैप कर रहे थे, उस लड़की के फोन पर अभी दो मिनट पहले एक अनजान फोन आया। ओके, क्या बातचीत हुई? कहाँ चले गए थे? कितने दिन हो गए? एक कॉल तक नहीं किया? मुझे समझ क्या रखा है? मैं पुलिस से मदद नहीं ले सकता, लेकिन मुझे उन्हें ढूंढना होगा। एक बार मेरे हाथ लग गए तो उन्हें चुन चुन के मार दूंगा। मुझे डर लग रहा है अरविंद, मुझे तुम्हारी जरूरत। नाटक मत करो, वो लोग मेरे सामने नहीं आ रहे, पीठ पीछे वार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता। अरविंद, मुझे छोड़ दोगे? नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? कितना कुछ किया है तुमने। अरे कौन है तू? हाँ, कौन है? ये मेरे भाई के कातिल एडविन का मोबाइल फोन है। पिछले दो दिनों में तूने उससे 23 बार बात की है। हम उस लड़की के असली माँ बाप नहीं है, हम तो ड्रामा आर्टिस्ट हैं। ये देखिए हमारा आईडी। तेरा बाप, तेरी माँ और तेरा भाई सब के सब नकली हैं। कौन है तू? मैं तुझे नहीं मारूंगा। निखिल कौन है? निखिल कौन है?
एडविन के मोबाइल में उसका नंबर भी है। निखिल के नाम पे न जाने कितने फोन आए। निखिल कौन है बता। मैं जानता हूं तू यहां अपने आदमियों को लेकर आया है। अच्छा, क्या ये निखिल है? बोल ना, तू निखिल है क्या? क्या ये निखिल है? ओ, तो तू निखिल है? इन भाड़े के टट्टुओं का तू बॉस है ना? बता ये तेरा बॉस है या नहीं? जल्दी बोल, बता तेरा बॉस है या नहीं, वरना ठोक दूंगा इसे। फिर से झूठ बोल रही है ना मुझसे? कोई तो है जिसने मेरे भाई से झूठ बुलवाया, उस डॉक्टर को पैसे का लालच देकर खरीद लिया, मेरी लियाना को मेरे मन का भ्रम बनाया, उसकी वजह से मैंने दर दर की ठोकरें खाई। मुझे कब हंसना है, मुझे कब रोना है, किससे प्यार करना है, सब उसके इशारों पर चलता रहा। ये तेरा बॉस नहीं है। ऐसा आदमी दिन में 30 बार एडविन से बात नहीं करेगा। इस तरह का मास्टरमाइंड छोटे मोटे गुंडों के साथ उठता बैठता नहीं है। ऐसी प्लानिंग कोई शातिर दिमाग वाला ही कर सकता है। इससे मैं उड़ा दूंगा, बस एक गोली अंदर और इसका भेजा पार। अब मेरी बारी। लिया जिंदा नहीं है तो वो मेरे पीछे क्यों पड़े? वो लोग मुझे इस तरह टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? अगर लिया ना मर चुकी है तो सब झूठ क्यों बोल रहे हैं? सब मुझसे झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है लियाना की मौत भी एक झूठ। इसका मतलब लियाना जिंदा भी हो सकती है। मुझे वापस कब्र के अंदर है। अगर वो मर चुकी है तो उसकी लाश इसमें होनी चाहिए, लेकिन अगर लाश नहीं हुई तो वो जिंदा है, वो जिंदा है। जिंदा लियाना, जिंदा लियाना। मैं जानता था वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं लियाना।
सब हो। जानता है तेरी माशुका मेरे कब्जे में है, हो सके तो उसे बचा। मार ले हाथ पे। सॉरी सर, डॉक्टर को डर है कि अगर हमने उसे वो ट्रीटमेंट दिया तो उसकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर कह रहे हैं ऐसा करना ठीक नहीं है। इसीलिए ट्रीटमेंट बीच में रोक दी। क्या वो मर जाएगा? यस सर। अच्छा मर जाए। मुझे लगा भगवान ने मेरे लिए मेरी पायल को दोबारा भेज दिया था। मैं फिर से अपनी पायल को खोना नहीं चाहता था। उस लड़की का बाप पुणे की एक मिल में काम करता है। उसने दूसरी जात में शादी की, इसलिए उसे गांव से निकाल दिया।
उस वक्त जात पात मेरे प्यार का दुश्मन बना। अब मेरी उम्र, कोई बाप अपनी बेटी की शादी एक बड़ी उम्र के आदमी से नहीं करना चाहेगा, वो भी जब वो आदमी उससे 29 साल बड़ा हो। और इसीलिए मैंने लियाना को अनाथ बना दिया। बिना उसे पता चले मैंने उसे गोद ले ली, उसे अपने घर में पनाह दी, बढ़िया कॉलेज में भेजा। उसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए मैंने 4 साल इंतजार किया, लेकिन फाइनली अपने जाने के सिर्फ 15 दिनों बाद। इससे पहले कि मेरे आदमी उसे मारने जाते, उनका एक्सीडेंट हो गया। उन्हें मेरे ही हॉस्पिटल में लाया गया। 4 दिनों बाद उसने अपनी आंखें खोली और उसकी जुबान पर सबसे पहला नाम था अरविंद। आई एम सॉरी, डॉक्टर सिर्फ तुम्हें ही बचा पाए। लिया, लियाना, मैं जानता था वो खुदकुशी करने की कोशिश करेगी, इसीलिए मुझे मजबूरन उसे बताना पड़ा कि अरविंद कोमा में। मुझसे झूठ क्यों कहा? मुझे उसे मिलना है। कहाँ है वो? Get lost! जब वो सहमी हुई थी तब मैंने उसे पायल के बारे में बताया। मैंने उसे बताया कि पिछले 4 सालों से मैं उसका इंतजार कर रहा था। Please, I love him. Love? 15 दिन की दोस्ती को तुमने लव का नाम दे दिया? भूल जाओ उसे। एक बार कोमा से निकलने के बाद वो भी तुम्हें भूल जाएगा। नहीं, मुझे उसके प्यार पर पूरा भरोसा है। कैसा प्यार? ये भी कोई प्यार हुआ? हफ्ते भर की पहचान को तुम प्यार कहती हो? मैं इसे प्यार नहीं कहता, इसे वासना कहते हैं। हम अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी में सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को जॉब देते हैं। सिर्फ उन्हीं की वजह से लड़के पूरी दिलचस्पी के साथ काम करते हैं। अरविंद जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए लड़कियां सिर्फ खेलने की चीज है। माइंड को रिफ्रेश करने के लिए बियर और लड़कियां एक समान है। यू नो समथिंग, अगर तुम उसे 1 महीने तक नहीं मिलोगी तो उसका मैसेज आएगा व्हाट्सएप, क्या चल रहा है आजकल। जब तुम उसे 2 महीने तक नहीं मिलोगी तो वो एक ऑफिशियल पार्टी में किसी लड़की के साथ वक्त बिता रहा होगा। जब तुम उसे 3 महीने बाद मिलोगी वो तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर तुमसे कहेगा रिलैक्स डार्लिंग। सो ये सब तो चलता है, इसीलिए मैं इसे वासना का नाम देता हूं। वो ऐसा नहीं है। कब से कह रहा हूं, समझ में नहीं आता तुझे? मुझे देख, मुझे डर है कि कहीं तुम गलत कदम ना उठा लो, इसीलिए मैंने उसे अब तक जिंदा रखा। अगर तुम मेरी ना हो तो तुझे उसकी भी नहीं होने दूंगा। निखिल, प्लीज, 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 प्लीज,
मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन लिया नहीं, पायल बन के। लेकिन अभी मेरे दिल में सिर्फ अरविंद है, तुम्हारी पायल के दिल में अरविंद नहीं होना चाहिए। वैसे भी तुमने कहा था ना कि वो एक महीना मुझे नहीं देखेगा तो मुझे भूल जाएगा, तीसरे महीने में किसी और लड़की को गले लगा के मुझसे कहेगा सो व्हाट, और अगर मैं उसके सामने गई फिर भी वो पिघलेगा नहीं, यही कहा था ना। सिर्फ एक महीना नहीं, मैं तुम्हें एक साल का वक्त देती हूँ, उसके दिल से मेरी याद को मिटा के दिखाओ, उसे किसी और के साथ गुलशन उड़ाते हुए दिखाओ। अगर वो बदल गया तो मैं उसे भूल जाऊंगी, पर वो नहीं बदलेगा, वो मुझे नहीं भूलेगा। मैं उसे बदल दूंगा, मैं उसके दिल से तुम्हारी यादों को मिटा दूंगा। मैंने कुछ लोगों को खरीद लिया, कुछ लोगों को धमकाया, मैंने उसे ये सोचने पर मजबूर किया कि लियाना मर चुकी है, उसे ये एहसास दिलाया कि लियाना एक ख्वाब थी, लियाना मेरी जिंदगी थी डॉक्टर, उसे किसी दूसरी लड़की के करीब ले गया, लेकिन फिर भी लियाना उसके दिल से निकल नहीं पाई, उसने पता लगा ही लिया कि लियाना जिंदा है। उसके दिमाग की नसों को कमजोर बना के तबाह कर दूंगा, या तो वो उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगा या मौत की आगोश में सो जाएगा। क्या तुम्हें अपना नाम याद है? बताओ रुपेश। तुम्हारा नाम संदीप है? मेरी तरफ देखो। तुम्हारा नाम अरविंद है ना? देखो, तुमने मुझे पहले कहीं देखा? डॉक्टर एक सेकेंड। डॉक्टर कामयाब हो गए, वो अपनी पिछली जिंदगी को भूल चुका है। गुड, अब आप उसके सामने भी मैडम से शादी कर सकते हैं। मुझे मार कर भी लियाना तेरी नहीं।
Thank you.
Ha ha ha.